तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है और जार में हम सभी आलू डाल देते हैं। एक कप दही पेस्ट बनाना है। मैं ऐड करेंगे सूजी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस नाश्ते को मैं यहाँ पर स्टीम करने वाली हूँ स्टील वाले बर्तन में, लेकिन मैं इसे तेल लगा के ग्रीस नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ओडे इको बेग, जो बड़ा ही काम का प्रोडक्ट है जो कुकिंग बेकिंग और स्टीम के काम में आता है। इसके अलावा आप इसे माइक्रोवेव ओटीजी या फिर कढ़ाई पैन या सभी में अच्छे से काम में ले सकते हैं। और इसके अंदर हमें यहाँ पर तेल लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इसे देखिए काट लिया है इस तरह से और इसके अंदर मैं इसे रख देती हूँ। तो अब इस बैटर को हम डाल देते हैं इस पॉट में। अब इसके अंदर हम ये पॉट रख देते हैं और इसे कवर कर देंगे और इसके अंदर से हम ढोकले को बाहर निकाल लेते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल भी नहीं चिपका है और जो पॉट है वो भी बिल्कुल क्लीन है। तो ये पेपर भी बिल्कुल क्लीन निकला है, ना ही जला है और ना ही इसके ऊपर ढोकला चिपका है। तो इस पेपर को हम संभाल के रख लेंगे क्योंकि इसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म नाश्ता खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप इसे सफर में ले जा रहे हैं या फिर टिफिन में पैक करना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए ओडी यूनिरेप का, जो कि इको फ्रेंडली है। इसे भी यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसमें खाना ठंडा रखिए चाहे गर्म रखिए, बिना किसी टेंशन के आसानी से रख सकते हैं। ये नॉनस्टिक और ग्रीस प्रूफ भी है, इसलिए आप इसमें मक्खन घी पनीर को भी रैप कर सकते हैं। इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। और अगर खाना आपको गर्म करना है तो आपको पेपर को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से इसे डायरेक्टली माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं और ये गीला होने पे फटता भी नहीं है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका।